संबंध किसान परिवार से रखता हूँ और मैं अपने दर्शकों को अभिनंदन करता हूँ कि जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से आज वो इस मुकाम पर पहुँचा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरी युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, मैं धन्यवाद ये करना चाहता हूँ। आप किसान हैं, आप भी, आपका पूरा परिवार किसान से संबंध रखा, आज किसान कौम आपको बधाई देने पहुंची है, अलग खुशी आपको महसूस हुई होगी? हाँ, खुशी है जी, मुझे किसान नेता पहुंचे हैं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं भाई सरकार इनकी सुन ले, वो आगे सरकार की मर्जी है भाई क्या करती है, शायद हमसे भी ज़्यादा सोच समझ कर चल रही हो, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि मैं तो एक छोटे ही किसान के घर में पैदा हुआ हूँ और हमने किन्हीं परिस्थितियों में उसको आगे निकाला है, और अब तो सरकार ने भी, उस पहले भी सरकार ने सपोर्ट दी थी, वो सन 2018 से पहले भी उसकी तो मदद हमें मिली हुई है, हम घर के आमदन के हिसाब से उसकी नहीं कर सकते थे तो सरकार की हमें मदद मिली और उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं तो किसानों की एक बड़ी पीड़ा है, लंबे वक्त से बैठे हैं धरने पे, क्या नीरज चोपड़ा को वहाँ पर एक बार ले जाने का आप भी सोचेंगे कि वहाँ पर जाना चाहिए नीरज को भी? नहीं जी, हम राजनीति में नहीं आना चाहते और न चाहते हैं, मैं तो सिर्फ देश की, और वो भी एक देश का जवान है, आर्मी के अंदर है, मैं तो सभी भाइयों से और प्रशासन से ये कहता हूँ कि दोनों मिलजुल के इस बारे में सोचें। ठीक है सर, एक कुछ सोशल मीडिया पे अप्लाई जा रही है, नीरज के दादाजी ने बोला कि वो नीरज को किसान आंदोलन में लेके जाएंगे एक बार दिखाने के लिए। नहीं जी देखो, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, किसी पार्टी में नहीं पढ़ना चाहते, वैसे आंदोलन में हम उनके साथी हैं, फिर हम राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते किसी भी, हमारे लिए सारी पार्टियां बराबर हैं।